कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए विदेश मंत्रालय ने वीजा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत 3 मार्च के पहले इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिकों को जारी किए गए वीजा और ई वीजा रद्द कर दिए गए हैं। यह नियम उन विदेशी नागरिकों पर ही लागू होगा जो अभी भारत नहीं पहुंचे हैं। कोरोना वायरस के भारत में 10 और नए मामले सामने आने से देश भर में हड़कंप मच गया है। यह केस दिल्ली, तेलंगाना और यूपी में सामने आए हैं। दिल्ली में जिस व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वे इटली और ब्रिटेन से यात्रा करके आया है, जबकि तेलंगाना केस में व्यक्ति दुबई से लौटा है। जयपुर में इटली के नागरिक में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। ऐसे में यदि सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्कता नहीं बरती तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है। सरकार ने कोरोना वायरस से प्रभावित कई देशों से यात्रा पर अभी तक रोक नहीं लगाई है, वीजा और ई वीजा पर रोक भी नहीं लगाई, जबकि दक्षिण कोरिया, ईरान, जापान जैसे देश इसके नतीजे भुगत रहे हैं। इन देशों ने भी कोरोना वायरस के शुरुआती मामले सामने आने के बाद चीन और अन्य देशों के साथ यात्रा पर रोक नहीं लगाई थी। बाद में जब प्रतिबंध लगाए तब तक स्थिति गंभीर हो गई। दुनिया के 70 देशों में अब तक कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। इनमें से 11 देशों में कोरोना वायरस से मौतें हो चुकी हैं। चीन, ईरान, इटली, दक्षिण कोरिया में यात्रा करना जोखिम भरा है। यहां यात्रा न करने की चेतावनी जारी हो चुकी है। जापान और हांगकांग में यात्रा करने से पहले विचार करने की चेतावनी है। इसके अलावा करीब 30 देशों में सावधानी के साथ यात्रा करने की सलाह दी गई है। इस सब के बावजूद भारत सरकार ने अभी तक सिर्फ 2 देशों में ही पूरी तरह से हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है। ये देश चीन और ईरान है। दक्षिण कोरिया और ईरान के ई वीजा रद्द किए हैं। ऐसे में अब भी केंद्र सरकार को जल्दी ही हाई रिस्क वाले अन्य 15 देशों के यात्रियों के ई वीजा पर भी प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। साथ ही उन 11 देशों की यात्रा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की जरूरत है जहां वायरस से मौतें हुई हैं। अब तक देश में कोरोना वायरस के 5 मामले सामने आए हैं। एडवाइजरी में कहा 11 देशों की यात्रा से आने वाले हर एक व्यक्ति की हो स्क्रीनिंग। सिविल एविएशन के डिप्टी डायरेक्टर सुनील कुमार ने एडवाइजरी जारी करते हुए देश के सभी एयरपोर्ट को निर्देश दिया है कि वे इटली, ईरान, चीन, जापान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड से आने वाले सभी यात्री की स्क्रीनिंग करें। यह एडवाइजरी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद जारी की गई है ताकि कोरोना वायरस को रोका जा सके। एयर इंडिया के साथ सभी निजी एयरलाइंस ने चीन और ईरान की सभी फ्लाइट्स बंद कर रखी हैं। इंडिगो और विस्तारा ने सिंगापुर और बैंकॉक, थाईलैंड की उड़ान पर रोक लगा दी है। हालांकि एयर इंडिया ने इन जगहों के लिए अभी अपनी सेवाएं जारी रखी हैं। देश के 21 एयरपोर्ट और 12 बंदरगाहों पर यात्रियों की जा रही है स्क्रीनिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक देश के 21 एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। 12 बंदरगाहों पर भी स्क्रीनिंग की जा रही है। अब तक 5,57 लाख यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा चुकी है। बंदरगाहों पर 12,431 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है। सरकार ने 5 देशों की यात्रा न करने को कहा है। भारत सरकार की ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक मौजूदा वीजा और ई वीजा चीन और ईरान के लिए ही सस्पेंडेड रहेंगे। इसके अलावा सरकार ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से कहा है कि गैर जरूरी तौर पर चीन, ईरान और कोरिया, सिंगापुर और इटली की यात्रा न करें।